वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं मेरे छत के ऊपर आ गया हूँ और मैं आज जो आपको एक फूल दिखाना चाहता हूँ वो सबको आप बहुत ही पसंद आएगा। तो वो है बोगनविला का फ्लावर दोस्तों। और जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ और संबलपुर, उड़ीसा संबलपुर से हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत नेचर फ्रेंडली है। और यहाँ पर भी सर्दी में बहुत सर्दी और गर्मी में बहुत गर्मी होता है। तो गर्मी के लिए तो आप बेस्ट फूल जानते ही हैं क्या है, बोगनविला। तो जैसे मैं उड़ीसा से बोला था भैया, दोस्तों इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कागजी का फूल। ये बिल्कुल कागज़ जैसा होता है ना इसका फ्लावर्स, तो इसको ना बोलते हैं कि कागजी का फूल बोलते हैं हमारे उड़ीसा में। तो दोस्तों, समर के लिए तो ये बेस्ट 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 फूल है। लो मेंटेनेंस है, बस थोड़ा पानी ही देना पड़ता है। और नीचे लगाएंगे तो बोलिए मत, कायामत ही आ जाती है, इतना फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो मेरे दोस्तों, में देख सकते हैं गमले में भी कितना अच्छा, कितना सुंदर फ्लावर सब हुआ है। कलर भी हैं, तीन चार कलर हैं। और पास में दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसमें इतना फूल आता है ना, देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है ये दोस्तों। येलो कलर में देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है येलो में। इसका मैंने लगाया हुआ है, एक नीचे कट करके लगाया था, इसका ब्रांचेस कट करके एक लगाया था, तो वो हो गया है। तो मैंने लगाया नहीं है अभी गमले में। तो आपको इसको, इसके डाइनिंग ब्रांचेस को रूटीन हार्मोन या ऐसे ही नॉर्मली लगा सकते हैं, ये हो जाता है। मैंने लगाया हुआ है और देख सकते हैं ये एक मिक्स कलर है इसमें। ये वाइट देख सकते हैं पास से, ये वाइट और पिंक दोनों में है। कितना खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। थोड़ा मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, देखिए दोस्तों, मेरे पास 9 गमले हैं। 9 गमले में कितना सुंदर कलर्स हैं सब। ये एक पर्पल, लाइट पर्पल कलर में है, देखिए देखिए। तो दोस्तों, जैसे कि अभी समर आने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो पॉट होता है ना, तो मैं इसको ज़्यादा साफ नहीं करता हूँ, क्योंकि जब ये सब होते हैं ना, ये घास वास होते रहते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि मॉइस्चर को कंटेन करके रखते हैं। तो मैं निकालता नहीं हूँ, और अगर डायरेक्ट सनलाइट में आते हैं तो पानी जल्दी सूख जाता है। तो दिन में मुझे यहाँ पे समर में बहुत होता है दोस्तों, मतलब गर्मी बहुत होती है, तो दिन में 2 बार पानी वाटरिंग करना पड़ता है। लेकिन अगर इसको साफ़ नहीं करते हैं ना, मैं नॉर्मली मेरा बात बता रहा हूँ, मैं गर्मियों में जो ये सब होते हैं इसको रहने देता हूँ, क्योंकि ये मॉइस्ट को पकड़ के रखते हैं। तो ज़्यादा पेड़ के लिए भी, प्लांट के लिए भी, हम और हमारे लिए भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और जब ये फूल खिल जाएगा तो मैं दोस्तों कटिंग कर लेता हूँ, प्रूनिंग, क्योंकि फ्लावर्स का प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने प्रूनिंग करके थोड़ा वही खाद वाद मिला के फिर से और एक बार दे देता हूँ, तो फिर से इसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। और फ्लावरिंग तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह, कितना ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और दोस्तों, मैं फिर आऊँगा और एक नया वीडियो के साथ, कुछ नया एक्सपीरियंस के साथ। तब तक दोस्तों, कीप गार्डनिंग एंड कीप स्माइलिंग।